नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट फ्री में बनाने का तरीका बताऊंगा और इसके साथ में मैं आपको अपस्टॉक्स का कस्टमर केयर का नंबर भी इसी वीडियो में दे दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सवाल है अपस्टॉक्स अकाउंट के रिलेटेड तो आप दोस्तों सीधा कॉल करके बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का ये लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में देगी आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। सीधा ब्राउजर ओपन हो जाएगा हमारे मोबाइल में, हमारे को अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए इधर मोबाइल नंबर डाल देना है और साइन अप विद मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। फिर ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, वो हमारे को इधर डालकर ओटीपी नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इधर हमारे को 6 डिजिट का एक पिन बना लेना है अपस्टॉक्स के लिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और वो सेम पिन एक बार और इधर डालकर कंटिन्यू पर हमारे को क्लिक कर देना है और इधर हमारे को अपना ईमेल आईडी डाल देना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में गेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी पर एक ओटीपी मिलेगा हमारे को, वो इधर डालकर हमारे को कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर देना है। अब ये बता रहा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको तैयार रखना है, हमारे को नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इधर हमारे को अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालकर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इधर हमारे को अपना जेंडर सेलेक्ट कर देना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर देना है, एनुअल इनकम सेलेक्ट कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इधर हमारे को अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर देना है और फादर का नाम जैसा पैन कार्ड पर है वैसा डाल देना है और उसके ऑप्शन में हम क्या काम करते हैं उसका कैटेगरी सेलेक्ट कर देना है और इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इधर हमारे को ये सेलेक्ट कर देना है कि हम पॉलिटिकली एक्सपोज है या नहीं, तो हमारे को नो पर क्लिक कर देना है और इंडिया में हम टैक्स पे करते हैं इसलिए हमारे को नीचे यस पर क्लिक कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इधर में ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे टर्म एंड कंडीशन के, तो दोनों के आगे हमारे को राइट का टिक लगा कर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और इधर में ये कॉन्ग्रेचुलेशन और हमारा नाम लिखा हुआ आ जाएगा, हमारे को आई वांट ए स्टॉप फॉर ₹0 इस ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है और इधर में हमारे को अपना साइन कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और अभी ये डिजी लॉकर गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन होगा, हमारे को कनेक्ट नाउ पर क्लिक कर देना है और एक बार और प्रोसाइड पर क्लिक कर देना है। ये डिजी लॉकर ओपन हो चुका है वेबसाइट, इधर में हमारे को अपना आधार कार्ड का नंबर डालकर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा हमारे को, वो इधर डालकर वेरीफाई हमारे को कर लेना है और उसके बाद में अभी ये परमिशन मांगता है तो हमारे को अलाउ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में अभी ये कैमरा का एक्सेस मांग रहा है तो हमारे को कंटिन्यू पर नीचे क्लिक कर देना है और उसके बाद में हमारे को अपना एक सेल्फी लेकर इधर अपलोड कर देना है। फिर इधर में हमारे को अपना दोस्तों बैंक का डिटेल सही से डाल देना है, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और री एंट्री में भी बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर देना है कि आपका सेविंग है या फिर करंट अकाउंट और फिर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर हमारे सामने ऐसा पेज आएगा, इधर में हमारे को साइन अप फॉर फ्री इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हो जाएगा, हमारे को नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और अभी ये पूछ रहा है कि आप करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट को आप एक्टिव करना चाहते हैं नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आपको नो आई विल डू इट लेटर इसको सेलेक्ट कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इधर नॉमिनी ऐड करने का बोल रहा है तो अगर आप चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके आप इसमें अकाउंट में अपना नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आपको आई विल डू इट लेटर इसको सेलेक्ट कर देना है और इधर हमारे को ई साइन कर लेना है तो ई साइन विद आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में डाउनलोडिंग ऐसा पेज आएगा, थोड़ा सा इधर हमारे को वेट कर लेना है और उसके बाद में ई साइन नाउ पर क्लिक कर देना है हमारे को। फिर हमारे सामने दो ऐसे ऑप्शन आएंगे, दोनों के आगे राइट का टिक लगाए हुआ मिलेगा हमारे को, सिंपली प्रोसेड टू ई साइन पर क्लिक कर देना नीचे और इधर में अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म देखने को मिलेगा हमारे को, नीचे साइन नाउ पर क्लिक कर देना है और फिर NSDL गवर्नमेंट का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इधर हमारे को अपना आधार कार्ड नंबर डालकर जो बॉक्स है उसमें राइट का टिक लगा देना है और सेंड ओटीपी पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड के साथ में लिंक मोबाइल नंबर पर हमारे को एक ओटीपी मिलेगा, वो हमारे को इधर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये पेज थोड़ा सा लोड लेगा और उसके बाद में एप्लीकेशन सबमिटेड ऐसा लिखा हुआ जाएगा, मतलब कि अब हमारा अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है, अभी ये अकाउंट हमारा 48 घंटे के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा और हमारे को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। फिर हमारे को प्ले स्टोर से इस अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है और ओपन करके आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल देना है, लॉगिन हो जाएगा और इसका होम पेज आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब आप आसानी से इधर से ट्रेडिंग कर सकते हैं और फंड पर क्लिक करके आप अपना रुपए ऐड कर सकते हैं, विड्रो भी कर सकते हैं और इसका दोस्तों कस्टमर केयर का नंबर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आपका कोई भी सवाल है अपस्टॉक्स अकाउंट के रिलेटेड तो आप सीधा कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।